नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि गमले को कम से कम मिट्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कैसे दें। मतलब आप कोई गमला भरते हैं तो उसे किस तरीके से भरें कि उसमें मिट्टी की मात्रा काफ़ी कम हो और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा हो, ताकि हमारे पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करें। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या चीज़ किस लिए डाली जाती है और कैसे कम से कम मिट्टी में हम कम से कम खर्चे में गमले को ज़्यादा न्यूट्रिशंस से भरपूर मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी दे सकते हैं अपने पौधों के लिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। तो आइए दोस्तों मैं बताऊँ, देखिए ये मेरा 3x3 का ग्रो बैग है, 3 फीट का लंबाई, 3 फीट चौड़ाई है इसकी। तो इसको मिट्टी अगर हम भरेंगे पूरी तरह से तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लगेगी और बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा इसका। तो हमने जो तरीका निकाला है ये है, देखिए पहले एक लेयर हमने इसमें जो ड्रेनेज होल होता है, ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए जो गार्डन की वेस्टेज है, फूल पत्ती पौधे जो सूख गए हैं, जो वेस्ट है, जो भी वेस्टेज गार्डन से निकल रहा है, उनको सबको हमने इसमें डाल दिया है। अब गार्डन के वेस्टेज के साथ साथ आप किचन वेस्ट भी, जो प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं या फिर फल फूल के छिलके हैं, आप इन्हें इसमें इस समय ऐड कर सकते हैं। ये पहली लेयर है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर जब हम मिट्टी डालेंगे तो जो मिट्टी से पानी ड्रेन होगा वो ड्रेनेज होल में मिट्टी जाके फंसेगी नहीं, इन पत्तियों के माध्यम से, इन वेस्टेज के माध्यम से पानी ड्रिस के निकल जाएगा और धीरे धीरे ये फिर सड़के इसमें कंपोस्ट बन जाएंगे नीचे वाली लेयर, और वो कंपोस्ट जब बन जाएगी तो फिर मिट्टी में काफ़ी अच्छी जो रूट्स नीचे तक जाती हैं तो उनके लिए ये न्यूट्रिशंस वैल्यू काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेंगी। अब इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट लेयर है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो लेयर हम डालेंगे एक पतली सी हल्की परत मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी इन्हें डिकम्पोज करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मिट्टी हम डालेंगे, उसके ऊपर से फिर से हम क्या डालेंगे वो देखते हैं। तो अब दोस्तों हम इसमें डाल रहे हैं गार्डन की जो मिट्टी है उसकी एक पतली लेयर, इसमें हमें चारों तरफ मिला लेनी है। और ये सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो इस जो भी हमारे घास फूस या वेस्टेज हैं उन्हें डिकम्पोज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं। अब दोस्तों इसके ऊपर की जो लेयर होगी हमारी वो होगी जो किचन वेस्ट निकलता है हमारा, फल फूल के छिलके, लहसुन प्याज टमाटर, जो कुछ भी किचन से वेस्ट निकलता है, पका हुआ भोजन के अलावा आप सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये जो हम ऐड कर रहे हैं किचन वेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस से भरपूर होता है और हमारे सभी पौधों के लिए सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस इससे मिलती है। तो इन्हें हमने सीधे सीधे इस अपने ग्रो बैग में ऐड कर लेना है। और उसके बाद जो हमारे गार्डन से भी वेस्ट निकल रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है जो हमने इकट्ठा कर रखा है, उसे भी हम इस मिट्टी में मिला लेंगे। साथ ही साथ इस प्रकार के कार्डबोर्ड जो गत्ते हमारे घर में वेस्ट पड़े होते हैं, हम इन्हें भी काट काट के इनमें डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने कार्डबोर्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया है और इसे हम पूरी तरह से इस ग्रो बैग में डाल देंगे और इन सबको हम बराबर कर लेंगे। तो दोस्तों अब इसमें गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट और जो कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं उनको मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो वेस्ट सॉयल हमारे पास जो गमलों से जो प्लांट ट्रांसप्लांट करने में निकलती हैं मिट्टियाँ, उन मिट्टियों को उपजाऊ कैसे बनाएं, गार्डन गमलों में दोबारा से यूज करने लायक कैसे बनाएं, इसकी वीडियो तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको आप कुछ नहीं करना है, तो आप जो गमले आप भर रहे हैं जिनमें बड़े ग्रो बैग्स आप भर रहे हैं तो उनमें भी इन मिट्टी को, देखिए रेड सॉयल है और जो चिकनी मिट्टी है ये सारी मिट्टी इसमें है जो मेरी ट्रांसप्लांट में निकली हुई है, इन्हें मैं इस अपने ग्रो बैग भरते समय एक लेयर नीचे में इनकी डाल देंगे हम। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए पूरी हमने इसमें इसकी एक लेयर बना देनी है जितनी भी गार्डन की निकली हुई है वेस्टेज।
तो इस प्रकार देखिए हमारी जो ग्रो बैग है वो करीब एक तिहाई भर चुकी है। अब अगर आपके पास किचन वेस्ट है इसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, किचन वेस्ट आपका इकट्ठा हो वापस से इसमें डाल दीजिए और फिर एक लेयर उसकी बना के वापस से गार्डन सॉइल, अपनी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है जिसमें आप पौधे लगाते हैं उस मिट्टी को इसमें ऊपर की एक लेयर करीब 6 इंच की लेयर आप उस गार्डन सॉइल की डाल दीजिए और फिर जो भी पौधे आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मेरे पास चूंकि अभी किचन वेस्ट नहीं है और मुझे इसमें पौधे लगाने हैं तो मैं इसके बाद अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल इसमें भरने जा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा ग्रो बैग भर के तैयार हो गया है, रेडी हो गया है वेजिटेबल्स या जो भी कुछ आप लगाना चाहें इसमें लगाने के लिए। अब दोस्तों ऊपर से हमने नॉर्मल गार्डन सॉइल भर रखी है तो जो भी हम सीडलिंग्स लगाएंगे या फिर जो सीड्स लगाएंगे तो उनके लिए जो फ्रेश सॉइल मिलेगा जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, जब पौधा थोड़ा बड़ा होगा ग्रो करेगा तो उनकी जब रूट्स नीचे जाएंगी तो जो नीचे हमने घास फूस या गार्डन वेस्टेज या जो हमारे किचन वेस्ट से निकली हुई चीज़ें हैं उन्हें हमने इसमें डाल रखा है वो धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोस्ट होती जाएंगी और डिकम्पोस्ट होंगी तो जब रूट्स नीचे जाएंगी तो उन्हें वहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और पौधे की ग्रोथ और अच्छी होगी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप ग्रो बैग भरते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो पौधे में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है प्लांट्स में और दूसरा आपके छत का वेट काफ़ी हल्का हो जाता है ग्रो बैग का, तो इसमें आपको मिट्टी कम यूज होती है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट जो होते हैं आप उन्हीं सब चीज़ों का यूज करके ग्रो बैग को भर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी बड़े ग्रो बैग भर रहे हैं तो मेरी सलाह है इसी तरीके से भरें, आपको डबल फ़ायदा और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो छत का वेट कम होगा क्योंकि हम ढेर सारे ग्रो बैग्स में मिट्टी भर लेते हैं तो उनका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उससे बचने का ये बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई सवाल हो कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।